गौतम अडानी जब पहली बार 2022 में खावड़ा में उतरे तो उन्होंने मजाक में कहा कि क्या किसी को इस जगह पर एक मच्छर भी मिल सकता है। तब से उनके ग्रुप ने न केवल सूरज की किरणों को बिजली में बदल देने वाले सोलर पैनल लगाए और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली हवा का उपयोग करने के लिए मिलें बनाई, बल्कि मजदूरों के लिए कॉलोनियां भी बनाई हैं। एनर्जी पार्क का बाहरी किनारा पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर का बफर BSF द्वारा रेगुलेटेड है। अडानी ग्रीन एनर्जी खावड़ा में 30 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने कहा, हमने अभी खावड़ा में 2000 मेगावाट क्षमता चालू की है और मार्च 2025 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर में 4 गीगावाट और उसके बाद हर साल 5 गीगावाट जोड़ने की योजना है।